क्या करूं मैं? बहुत ज्यादा मुझे मिले कहते रहो, बहुत ज्यादा। आपकी हर जरूरत के लिए फ्यूचर रेडी विश्व स्तरीय विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स जैसे MI, डाइकन, जनरल, LG, हिटाची के स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, चिमनी, जूसर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन के लिए आए फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स, कीसरगंज, अजमेर। फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। आज नशा मुक्त भारत के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसके लिए कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में सभी सारे विभाग है जो मिलकर इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं और पूरे राजस्थान उसके साथ साथ अजमेर को नशा मुक्त करने के लिए कटिबद्ध हुए हैं। सर, नशे करने से किस तरह से नुकसान होता है, क्या अपील करना चाहोगे आप? नशा करने से नशे के जैसे किस किस तरह के नशे हमारे विभाग करी जा रही है उसके बारे में सभी को जागरूक किया गया है। उस नशे से किस किस तरह के नुकसान होने ये हमारे द्वारा बताया गया है। इसके साथ ही मैं इस आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि जितने भी जिस तरह की भी नशे हैं उस नशे से दूर रहें और अपने आप को भी स्वस्थ रहें और एक स्वच्छ समाज को निर्माण करने में हमारा सहयोग दें ताकि इससे संख्या है वो कम की जा सके और एक स्वच्छ समाज बनाने। आज जैसा कि विदित है, नशा मुक्त भारत अभियान पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और मुख्य रूप से नशा मुक्त भारत ये अभियान जो प्रारंभ किया था 15 अगस्त 2020 से स्टार्ट कर दिया गया था और निरंतर इसमें कई गतिविधियां और कई कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। आज जो कार्यशाला है उसमें मुख्य रूप से नेहरू युवा केंद्र के 100 ऐसे सेंटर्स, ऐसे विलेजेस, इसी प्रकार से शिक्षा विभाग के 200 स्कूल्स, उनके टीचर्स और CDPO, ICDS की और उनके सुपरवाइजर्स, साथ ही स्काउट्स गाइड, पुलिस के अधिकारी और अन्य सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सारे कार्यकर्ता, बाल अधिकारिता विभाग के कार्यकर्ता, उनको प्रशिक्षण देने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि नशे को मुक्ति के लिए और जिले को, अजमेर जिले को किस प्रकार से नशा मुक्त बनाया जा सके और अवेयरनेस जनरेशन का जो प्रोग्राम है उसको बहुत ही स्पीड से चलाया जा सके, उस हेतु आज ये कार्यशाला रखी गई है जिसमें JLN डिपार्टमेंट विभाग कॉलेज से विशेषज्ञ, उनके जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं या जो नशा मुक्ति केंद्र के संबंधित कार्यकर्ते हैं वो अपनी जानकारी दे रहे हैं। आदरणीय संभागीय आयुक्त महोदय ने काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें बताई, बहुत ही तहस से जुड़ी हुई बातें। जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, सभी जिला अधिकारियों ने यहाँ पर उपस्थित होकर और इस कार्यक्रम में हमारी हौसला अफजाई की है और सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें ये निर्देशित किया गया है जितने भी विभाग जो कि नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं वो अपनी पूरी ताकत से इसमें कार्य करें। साथ ही हमारे NGO पार्टनर जो हैं अपना थिएटर, उसके माध्यम से आज ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है और 8 ऐसे NGO से जिनके माध्यम से हम और ही इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और चाहे वो शराब सेवन का मामला हो, अवैध शराब निर्माण भंडारण या विक्रय का मामला हो, चाहे इसके अवेयरनेस जनरेशन के लिए इनके ट्रेनिंग का मामला हो, किस प्रकार से इनको स्वरोजगार में लगाया जा सके और इसके लिए हम निरंतर कार्य करेंगे और इसी के लिए आज ट्रेनिंग दी जा रही है। आम जनता को किस तरीके से अपील करना चाहोगे सर? आज का ये कार्यशाला जो है वो तो अभी समाप्त होने में है कार्यशाला, बट ये प्रोग्राम जो है हमारा सितंबर और अक्टूबर माह में पूरा चलेगा और कोशिश यह रहेगी कि जितने भी विभाग इसमें कार्यरत हैं बहुत ठोस कार्रवाई करें और निरंतर लोगों से संपर्क करें, आमजन से मिलें और उनको काउंसलिंग कर सलाह दे करके, और अवैध कोई अगर इस प्रकार के नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं तो उनको बंद कराने के लिए भी कार्रवाई, या अगर वो सही चल रहे हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई भी इस दरमियान की जाएगी। नाम प्रफुल्ल चौबीसा नाम है, उप निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग।